Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। हेलो राधा, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? सब ठीक है ना? हाँ हाँ मोहजी, सब ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कल रात सब ठीक था। पक्का ना सब ठीक है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो हमने अपनी रामायण घर में ही भूल आए हैं। रामायण? हाँ मोहन जी, वो क्या है ना, रास्ता बहुत लंबा है, तो हमने सोचा हम गुनगुन को सीता हरण की कहानी सुनाते हुए चलेंगे। ये तुम क्या बोली जा रही हो राधा? पर अब कोई बात नहीं, अब सुना ही नहीं सकते तो कुछ नहीं होगा। पर वैसे मोहन जी, राधा और मोहन साथ हैं तभी तो हिट है। मोहन जी क्या कह रहे थे कि गुनगुन के गाने वाले प्रतियोगिता में ना अगर हम दोनों साथ होंगे ना तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा मोहन जी, हम ना जंगल के रास्ते से होते हुए जा रहे हैं तो यहाँ पर ना नेटवर्क नहीं होगा। ठीक है मोहन जी, हम रखते हैं। राधे राधे। नहीं नहीं राधा। हेलो मेरी, यार ये राधा भी है ना? मोहन क्या बोल रही थी राधा? हाँ सब ठीक है ना, गुनगुन सही है ना, गुनगुन को कुछ हुआ तो नहीं है? अरे मोहन बेटा, अब बाहर भी आ जाओ, हमारे खास मेहमान आ गए हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं। मैडम जी, आपके फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, तो मैं एक काम करता हूँ, ड्राइवर के पास ले जाके चार्ज में लगा देता हूँ, फिर बात करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी तो हम इसे कुछ कह भी नहीं सकते, कुछ कहेंगे तो कहीं बच्चों की जान खतरे में ना आ जाए। अभी रुकते हैं, सही समय आने का इंतजार करते हैं। लो मोहन बेटा, आ गए हमारे खास मेहमान। ये यहाँ क्या कर रही है? इसे तो यही पता है कि राधा और मोहन की शादी होने वाली है। गुनगुन, तुम्हारे मम्मा पापा एकदम परफेक्ट है। तुम्हारे पापा तुम्हारा बहुत ख्याल रखते हैं और तुम्हारी मम्मा तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। तो आज ब्राह्मण भोज की रस्म है जी। वैसे गुनगुन कहीं दिखाई नहीं दे रही है। वो स्कूल गई है ना? और गुनगुन की होने वाली मम्मी? ब्राह्मण भोज की रस्म तो वही करवाएंगे ना? नहीं, वो मैं अकेले ही कर लूंगा ना। अरे ऐसे कैसे? ब्राह्मण भोज की रस्म तो दुल्हन के हाथों से बने भोज से ही होगी ना? बुलाइए दुल्हन को। अरे बुलाना क्या है, वो तो यहीं खड़ी है, गुनगुन की होने वाली माँ दामिनी। आ जाओ बेटा। ये क्या मजाक है, ये थोड़ी है दुल्हन, ये तो इनकी कोई दूर की रिश्तेदार है ना? अबूबा, गुनगुन की होने वाली माँ तो राधा है। बुलाइए राधा को। कितने भोले से चेहरे हैं सबके,
कितनी प्यारी सी हंसी। इन सबको सच कैसे बताएं? एक पल में सबकी हंसी मुरझा जाएगी, सब घबरा जाएंगे। इन्हें तो हम कुछ बता भी नहीं सकते। हे बाकी प्यारी जी, अब तो बस आप ही का सहारा है। जो इशारे हमने मोहन जी को समझाने के लिए दिए हैं, वो उन्हें समझ जाए और वो हमारी मदद करने के लिए यहाँ आ जाए। ऐसे कैसे हो सकता है? जब हल्दी राधा के साथ हुई है तो ये कैसे दुल्हन हो सकती है? ये क्या हो रहा है यहाँ? मैं बताती हूँ। तुम्हें क्या लगा मोहन, मुझे तुम्हारे खेल का पता नहीं चलेगा? और तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ जल्दी क्यों आई थी? मैं ये जानना चाहती थी कि आप सब लोग मुझे सच बताते हैं या नहीं। सच मतलब ये था दामिनी का प्लान, उसी ने इन सबको यहाँ पर आने के लिए कहा है। इन सबको तो मैंने तुम्हारे लिए बुलाया है तुलसी, तुम्हें गुमराह करने के लिए। तुम्हें लगेगा कि ये मेरा प्लान था, जबकि मेरा प्लान तो इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। प्लान को किसी भी हालत में पूरा करके निकलना होगा। जल्द से जल्द बॉम्ब को फिट करके यहां से निकलो, फिर ना बचेगी गुनगुन और ना बचेगी केतकी और ना ही बचेगी ये राधा। धार्मिक किताबें छापते हैं ना आप, पर काम सारे अधर्म ही करते हैं। और यही बातें आप सब गुनगुन को भी सिखा रहे हैं, वरना छोटी सी बच्ची झूठ नहीं बोलेगी। नहीं माँ, वो चुप हो जा मोहन, तुमने मेरी बेटी को जला के मार दिया। माँ ये गलत फहमी है, मोहन गुनेगार नहीं है। तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम मुझे माँ बोलो। एक छोटी सी बच्ची की माँ को मारा है तुमने, और इस दामिनी से शादी कर रहे हो जिसे गुनगुन पसंद नहीं करती। अरे सौतेली माँ के साथ रहने से अच्छा है कि वो अपनी सगी नानी के साथ रहे। बस माँ, गुनगुन है तो ये घर है माँ, वो नहीं ना तो कुछ भी नहीं है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।